सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं शिव खेड़ा जी, उनकी किताब मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, अभी भी वो मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं। जीत आपकी, तो आखिर जीत क्या है ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सक्सेस या जीत क्या चीज़ है, जीत क्या है, चलिए सक्सेस छोड़िए, जीत क्या है, व्हाट इज़ विनिंग। तो देखिए, विनिंग, जहाँ तक विनिंग की बात है या जीत की बात है, तो आप जो कहते नहीं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो बाजीगर आप कैसे बन सकते हैं? तो देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बाजीगर बनने का तरीका क्या है। जैसे मान लो किसी ने तुम्हें झापड़ मारा, ठीक है, और तुम भी उतने ही मजबूत और ताकतवर हो जितना वो है, तुम भी उसे एक झापड़ मार सकते हो, पर तुमने उसे झापड़ नहीं मारा, तुमने उसे माफ़ कर दिया, तो क्या तुम जीत गए? नहीं, तुमने उसे झापड़ नहीं मारा, वो ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जीत इसमें विजेता कौन है। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी विचलन और विचलित नहीं हुआ उसके झापड़ मारने के बाद भी कि इसने मुझे झापड़ मार दिया तो मैं बदला लूँ, लेने की तो सोचो छोड़ो, वो कुछ हुए नहीं, तो वो है विजेता। जिसके अंदर भी नहीं हिलता है, बाहर तो छोड़िए, फिजिकल तो एक दूसरी चीज़ है, फिजिकल मूवमेंट हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ है, जो अंदर भी नहीं हिलता है वही विजेता है। ठीक है, तो अगर जीतना चाहते हो तो यही सूत्र है कि किसी ने कुछ गलत कहा, धोखा दिया, ये किया, लेकिन अंदर से नहीं हिले, तो मैं तुम्हें बताता हूँ सिकंदर तो कुछ नहीं था, तुम सबसे बड़े विजेता हो, अनमूव्ड फ्रॉम इनसाइड, हिला ही नहीं, विचारों में कोई स्पंदन ही पैदा नहीं हुआ, बुरा और अच्छे की तो बात छोड़िए, साइलेंस, समझ गए? ठीक है, थैंक यू।